लोकसभा चुनाव जारी है और 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं। ऐसे में 4थे चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी ने वाराणसी से अपना नामांकन भरा। नामांकन दाखिल करने के वक्त एनडीए का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं आपको बता दें, नामांकन दाखिल करने से पहले मोदी ने प्रकाश सिंह बादल के पैर छुए। चलिए आपको बता दें, नामांकन भरते वक्त पीएम के साथ कौन कौन मौजूद रहा। मोदी के नामांकन दाखिल करने के वक्त बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, प्रकाश सिंह बादल, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, दिनेश मौर्य, उद्धव ठाकरे सहित कई नेता मौजूद रहे। वहीं इससे पहले पीएम मोदी का वाराणसी में रोड शो के दौरान शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। रोड शो की शुरुआत मोदी ने बीएचयू के सामने पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा से की। वहीं पीएम मोदी का 7 किलोमीटर लंबा रोड शो 2.25 घंटे में पूरा हुआ। ये रोड शो के दौरान एक मुस्लिम शख्स ने पीएम मोदी को शॉल भी गिफ्ट की, जिसे उन्होंने तुरंत गले से लपेट लिया। इसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ऐसे में शक्ति प्रदर्शन के बाद देखना होगा वाराणसी से मोदी की कितनी बड़ी जीत होती है। आप इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।